नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश के कई मंत्री और नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने गले में खराश और सांस लेने में हल्की तकलीफ के चलते अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक यूपी सरकार के कई मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और मंत्री मोहसिन रजा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं यूपी सरकार के दो मंत्रियों का निधन भी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हो चुका है, जिनमें कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान का नाम शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना केस की संख्या 2,30,000 के पार हो गई है। वहीं 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,81,364 लोग इस बीमारी से अभी तक ठीक हो चुके हैं। 56,459 एक्टिव केस हैं। वहीं देश की बात करें तो कोरोना के कुल मामले 38 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।